दोस्तों कई बार ट्रेन की पटरी भी कुछ इस तरह से टूट जाती है। इस पटरी को रिपेयर करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर लगाया जाता है। फिर इस भट्टी में बहुत सारा मेटल रख दिया जाता है और फिर भट्टी को जला के इसके ऊपर रख दिया जाता है। उसके बाद भट्टी और स्ट्रक्चर को हटा के उस पर रबिंग करी जाती है। इस वैसे आपको क्या लग रहा है ये पटरी रिपेयर हो पाएगी? वो चीज जानने से पहले अगर आप भी इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गाइस आप देख ही सकते हो पटरी बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। वैसे गाइस आपको पता है हमारे घर में जो मैच बॉक्स यूज होता है कहाँ से बनकर आता है और कैसे बनता है? गाइस सबसे पहले इस फैक्ट्री में एक बड़ी सी लकड़ी को ले लिया जाता है और उसको ले जाया जाता है मशीन के पास। इस मशीन से पतली पतली शीट निकाल ली जाती है और शीट निकालने के बाद कटिंग वाली मशीन के पास लिया जाता है। कटिंग के बाद गाइस इसमें बारूद लगाया जाता है। गाइस जब तक मैच बॉक्स बन रही है जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस लास्ट में आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया मैच बॉक्स बन के आ चुकी है। वैसे गाइस आपको पता है हमारे घर से कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? तो गाइस ये बंदे कूड़ा कचरा ले आके इस फैक्ट्री में ला देते हैं। उसके बाद इस प्लास्टिक के कूड़े को अच्छे से मेल्ट कर लिया जाता है। प्लास्टिक को मेल्ट होने के बाद इसमें दूसरी मशीन में डाला जाता है और उसके बाद तरह तरह की मशीन में डालने के बाद स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। वैसे गाइस आपके हिसाब से ये बंदे क्या बना रहे हैं? वो चीज जानने से पहले अगर आप भी अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाना। तो गाइस टूटे फूटे प्लास्टिक से एक बढ़िया सी कुर्सी तैयार हो जाती है।